हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। 6 जनवरी 2019 रेलवे RPF SI कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी अभी हुआ है। कैंडिडेट से बात करेंगे, जानेंगे कैसा हुआ एग्जाम, क्या क्वेश्चन आए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन किए। 108 सर। 110। 82। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो संविधान से पूछे जा रहे हैं। जो जीके के जो क्या क्वेश्चन है संविधान से? संविधान से कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन संविधान से अकेले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी के बता सकते हो क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपातकाल शक्तियाँ जो हैं वो किस देश से ली गई हैं, और जो अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसको कौन संभालेगा। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन तो नॉर्मल है, मैथ में क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं पर लेंदी हैं वो, उनको करने में जितना जल्दी आप कर लो उतना अच्छा है। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स में? मैथ में नॉर्मली आ रहे हैं, जैसे ट्रेन के आते हैं वो कितने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए, और नंबर सिस्टम से नॉर्मली के 121 वगैरह गुणा बोर्ड मास वाले। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग है, मैथ है, GS है। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए? रीजनिंग में तुम्हारा साइलोजिस्म आया था, सेटिंग अरेंजमेंट आया था, और रीजनिंग में मतलब कथन निष्कर्ष के थे 2-3 क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष याद है? हाँ, मतलब ये कुछ मतलब पक्तियाँ लकड़ी हैं, कुछ स्तंभ लकड़ी हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष। और कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से? हाँ, ब्लड रिलेशन से आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था ब्लड रिलेशन से। क्या क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन कुछ ऐसे कर, ए भी सेकंड टाइप में से था वो, ब्लड रिलेशन का जो दूसरा टाइप होता है वो उसमें से था। मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज? नहीं, बहुत ही नॉर्मल थे, ज्यादा ब्याज ब्याज वगैरह सब ठीक है। कजिन मतलब कजिन ब्याज के थे आपके, और बोर्ड मास नियम से थे। आज के पेपर के क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का टाइप फर्स्ट था, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी टाइप फर्स्ट था। कोई नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो उसका दर बताइए कितनी होगी, तो ये ऐसे करके पूछे थे उसने। और फिजिक्स का सवाल आया ही नहीं, फिजिक्स के तो 2-4 क्वेश्चन आए, बहुत परेशान है गए। मतलब वाला शून्यों की संख्या पूछी गई थी, नंबर सिस्टम से आया था क्वेश्चन। संविधान से क्वेश्चन आए होंगे? हाँ, संविधान से आया था। एक तो आया था आपात का, मतलब किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बाद कौन शासन करेगा। हाँ, राष्ट्रपति के बाद कब करेगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम पर निषेध। या सर, 3-4 क्वेश्चन थे संविधान से। अनुपात से आए थे आपके? क्या क्वेश्चन था अनुपात से? अनुपात से था कि 4 बच्चों में कोई प्रोडक्ट बांटना है 3-4 के अनुपात में, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन? हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हो रहे हैं ये आया था उसमें, राष्ट्रमंडल खेल, और यूआईयू तो ओलंपिक कहाँ हुए हैं ये भी आया था उसमें। 4 क्वेश्चन आए थे लगभग। 3D में भी से 1-2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? मेंबर के भी होंगे। टाइमर का एक भी नहीं आया। और क्या क्वेश्चन आए रीनिंग में? रीनिंग में सारे अल्फाबेट के आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन आया हो? ब्लड रिलेशन से आया था। क्या क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन? बहुत लेंथी था। कितने क्वेश्चन किए? मेरे 82 हुए। हिस्ट्री में कोई मुगल शासक के काल से क्वेश्चन? हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था। हाँ, मलिक काफूर रहा था उसका जो गुलाम था। गुलाम कौन था? मलिक काफूर। ये कुछ था, सेनापति कौन था? वो मलिक काफूर था। हाँ, सेनापति। आप गुलाम मतलब? गुलाम था, गुलामी था। क्वेश्चन रैंडमली आ रहे हैं या सेक्शन वाइज आ रहे हैं? रैंडमली आ रहे हैं, जीके में तो रैंडमली आ रहे हैं। सेक्शन वाइज सर, सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज। क्वेश्चन के 81। और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में? जीएस में सर सबसे ज्यादा फिक्स था, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, और सबसे ज्यादा यही है संविधान है, और हमारा यही है विज्ञान है फिजिक्स। उसमें सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? फिजिक्स में कम से समथिंग क्वेश्चन होंगे 5-6। क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन सर ऐसे तो सर याद नहीं रहा सर। मात्रा वगैरह पूछा हो? नहीं, मात्रा कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आया हो? नहीं, गुरुत्वाकर्षण से। अरे, क्वेश्चन रेंडमली आ रहे हैं या सीरीज सेक्शन वाइज आ रहे हैं? सेक्शन वाइज आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं। कोई जीएस से कोई क्वेश्चन? करंट पर था ही होगा। हिस्ट्री से ओनली वो उससे आया था जो मिलिंद प्रश्न था ना, जो ननाक्षण और उसके मिलिंद राजा के बातचीत ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बस उसी वही क्वेश्चन आया ओनली, बस हिस्ट्री से। बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी एक भी नहीं, ओनली बस एक केमिस्ट्री, बाकी सब फिजिक्स के हुए। डीएनए और उस वाला? डीएनए वाला आया सर। क्वेश्चन था वो? अब क्वेश्चन तो ध्यान नहीं सर। डीएनए और आरएनए से आरएनए चेंज करने वाली विधि क्या कहते हैं? अच्छा, बस यही क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज? हाँ, साधारण दो थे, और एक चक्रवृद्धि का था। क्या क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन। अरे, क्वेश्चन था ये 6600 रुपये का 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो उसका करके उसका आधा डिवाइडेड पूछा था, इसका आधा कितना होगा। कोई क्वेश्चन आया हो चाल दूरी से?
चालदूरी से, हाँ एक आया था, हाँ एक आया था। वो क्वेश्चन ये था किसी चाल का एक 15/16 भाग मतलब 15/16 भाग कम करके मतलब 4 मिनट का मतलब बचता है, 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट जो भी हो उसे एक बड़े क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए सर? मैंने 114। कितने क्वेश्चन किए आपने? 120। 90। 65 क्वेश्चन। 94। फिल्मों से आया वो? डायरेक्शन से उससे नहीं थे, दिशा दूरी से क्वेश्चन नहीं था कोई भी। क्या क्वेश्चन था? और जल प्रतिमा क्या देखें? मिनिस्टर था जो दर्पण में क्या देखेंगे? ये था इंटर का, मतलब जल प्रतिमा पूछ रहा था इंटर का क्या है, मिनिस्टर का क्या है, दो क्वेश्चन इससे आए थे प्रथम से। अल्फाबेटली नाम दे दिया था और दर्पण राष्ट्र मतलब ओलंपिक खेल कहाँ पूछे गए ना, कोई योजना आई थी कि ये आया था, ये मानव विकास सूचकांक मतलब ये कब से जारी किया गया है, ये मानव विकास रिपोर्ट HDI ये बोलते हैं उसे, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, वही आया था बस। इससे एक क्वेश्चन आया था आपका, आणविक संरचना केमिस्ट्री रिलेटेड था। क्या क्वेश्चन था वो? मैंने तो एक ही देखा था केवल, और तो नहीं। क्वेश्चन क्या था बता सकते? मतलब ये था कि मतलब जो जो सूत्र बनते हैं वो किस से बनते हैं, आणविक सूत्र से, रासायनिक सूत्र, प्रयोगात्मक सूत्र, इससे आए थे केमिस्ट्री क्वेश्चन। फिजिक्स से तो कम आए थे क्वेश्चन, फिजिक्स से एक या दो आए होंगे, फिजिक्स से कुछ नहीं था। कैसे? गेम्स से बस यही पूछा था कि मतलब ये खेल कहाँ हुए, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए हैं, ओलंपिक यूथ जो हुआ है अभी 2018 में वो कहाँ हुआ है, वही थे खेल से। और मतलब जो उनमें शब्दावली यूज होती है वो आए थे कि मतलब उसमें निशानेबाजी में कौन सी होती है, ड्रिबलिंग, ट्रैपिंग, ये सब भी आए थे उसमें। राजधानी नहीं आई थी, कैप्टन नहीं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह नहीं, नहीं। मतलब मैथ और रीजनिंग तो सरल आई है, ये नहीं कह सकते कठिन है ज्यादा। वर्गमूल वगैरह पूछा किसी का? वर्ग मतलब पूरा वो था, सिंप्लीफिकेशन था वो पूरा था, मतलब 121 का वर्ग वहाँ बोर्ड मास से, हाँ वो था। क्या थी बता सकते हो? मतलब अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और एक्स पूछा था, एक्स क्या होगा, हाँ एक्स का मन पूछा था। रीजनिंग में कोड एनकोडिंग से आया हुआ? हाँ कोड एनकोडिंग, 3-4 क्वेश्चन थे अल्फाबेट वाले आए थे। सकते हो क्या क्वेश्चन थे उसमें? जैसे मतलब अल्फाबेट मिनिस्टर दे दिया उससे आगे ये वाला घाट बढ़े गए रीजनिंग देते हैं जो सवाल, और मैथ का आया था जैसे अंडर रूट 139 भागे डिवाइड बढ़ाई 13 इक्वल टू एक्स बराबर कितना होगा, ये बहुत सारे मतलब पेपर सरल था, मतलब कुल मिला के पेपर मतलब जीके तो सबकी ऐसी होती है, मतलब जीके में 20-25 क्वेश्चन फिर भी हो जाएंगे और दोनों में तो पूरा हो सकता है अगर तुम्हारा सही है। परसेंट सही था मैथ रीजनिंग 75% सॉल्व अच्छी होगी ना, उसका पेपर अच्छा हुआ होगा। और कुछ सर आप लोग यहाँ संविधान से? संविधान से बस यही आपात का आया था, एक आपात का आया था, एक आया था कि जो मतलब राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हों तो कौन संभालेगा उनकी उनकी जगह, दो क्वेश्चन ही आए थे संविधान से। हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे हिस्ट्री से? हिस्ट्री से यही अलाउद्दीन खिलजी वाला जो बता रहा हूँ मैं, इनका गुलाम कौन होगा, और मिलिंद पानो के मतलब एक पुस्तक है उसमें जो उनके उत्तर देता है वो कौन देता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन थे उसमें। और मैथ वैथ तो सरल था, इतना कठिन नहीं था, पूरे हो जाते। क्या क्या टॉपिक टेस्ट किया गया? मैथमेटिक्स जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, दो दो क्वेश्चन इनके थे, और अनुपात हो गया, रेशियो हो गया, 3-4 क्वेश्चन इसके थे रेशियो के, और अपना बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन 2-3 क्वेश्चन इनके थे, और कुल मिला के सब में से 2-2 क्वेश्चन रखे दिए। किस किस टॉपिक टेस्ट किया गया? GS में ऑलमोस्ट सभी थे, मतलब फिजिक्स कम थी, जैसे बोल रहे हैं कि RPF या ग्रुप डी होता है इसमें ज़्यादातर साइंस आती है, लेकिन इस हिसाब से साइंस नहीं आई। अगर सबको मिला दें तीनों सेक्शन को तो साइंस मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन होंगे बस साइंस के बस। और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक टेस्ट किया गया? रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी थे, दिशा दूरी का क्वेश्चन नहीं था उसमें, और कोडिंग डिकोडिंग था, सिटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन थे कि कौन मतलब AC के बगल में, CD के बगल में, तो हाँ तो उस हाँ उससे भी थे दूरी चाल से थे उससे भी कि मतलब कोई लड़का है वो एक मतलब 15 से जा रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है, 20 से जा रहा है तो 2 मिनट बाद में पहुंचता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी कुछ सुना रहा था उसमें। हाँ कोचिंग मतलब सरल था कुल मिला के, GS बस GS का जिसका अच्छा हो जाएगा वो हो जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट से तो यही था, दो मतलब एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पे ही 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे कि ए बी के बगल में बैठा हुआ है और उनमें से बी सी डी के बगल में बैठा हुआ है, 2 महिलाएं कौन कौन सी होगी। ब्लड ब्लड रिलेशन का आया था,
एक ही माता के भाई का कुत्ता का भाई है, ऐसे कुछ आया था सर। नहीं, एक पजल में आया था ना, दो दिन आए थे पजल में, वो कुत्ता लगता है वो पजल में और था शायद में। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन 6 जनवरी 2019 रेलवे RPF SI में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट से बताया भी और आपने देखा भी, तो ये था। अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित, करता हूं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।